हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी गूगल पे आप लोग आधार कार्ड से चलाना चाहते हो तो कैसे चला सकते हो गाइस। जी हाँ, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, कई व्यूवर्स बोल रहे हैं कि सर गूगल पे हम आधार कार्ड से चलाना चाहते हैं और UPI पिन भी सेट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। हम आप लोग पूरा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में। गाइस, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेना। गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नया अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो गाइस, सबसे पहले गाइस क्या करना है, आप लोगों को गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आता कुछ इस तरीके अंडर पे, इसके बाद राइट हैंड साइड में थ्री प्रोफाइल मिलती है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखना बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो गाइस क्या करना है, बैंक अकाउंट ऐड, इस पर क्लिक करना है, ऐड बैंक अकाउंट पे। इसके बाद आपको जो भी आपकी बैंक होती है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोग यहाँ पे जो भी आपकी कैनरा बैंक होती है या फिर सेंट्रल बैंक होती है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे इंडोनेशियन बैंक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे इंडोनेशियन मेरी बैंक है, हमको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो, अगर आपके पास सेंट्रल बैंक और कैनरा बैंक है तो आप लोग इन्हीं दो बैंक में आप लोग आधार कार्ड से गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और UPI पिन भी सेट कर सकते हो भाई, ठीक है। फिलहाल मेरी यहाँ पे बैंक ऐड हो चुकी है, इसके बाद नॉट नाउ कर देते हैं, ठीक है। नॉट नाउ करने के बाद हमको बैक आ जाना, ठीक है। बैक आ जाने के बाद आपको गाइस क्या करना है, आप लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट की एप्लीकेशन है, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करना है, इसके बाद आपको टाइप करना है Bheem UPI, ठीक है। हम आपको टाइप कर लेते हैं Bheem UPI। तो मैंने यहाँ पे Bheem UPI टाइप कर दिया। इसके बाद ये एप्लीकेशन आपको इसको इंस्टॉल करना है। अगर आज इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी कि आप लोग Bheem UPI में आप लोग अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आता कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड में ये मेरा वो बोल रहा है, इनको पोस्ट कोड बोलता हूँ, यहाँ पर पोस्ट कोड डाल देना, ठीक है। तो फटाफट मैंने पोस्ट को डाल दिया। इसके बाद मैं राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल मिलती है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी दो बैंक ऐड हैं, ठीक है। मैं आप लोग पहले क्लियर करूँ, क्या यहाँ पे एक कैनरा बैंक होती है, एक सेंट्रल बैंक। अगर इन दो अकाउंट में आपका इन दो बैंकों में आपका अकाउंट बना है तो आप लोग इन्हीं दो बैंक में आप लोग आधार कार्ड से UPI पिन चेंज कर सकते हो और UPI पिन सेट कर सकते हो, और आप लोग इन्हीं दो बैंक से आप लोग अपना पूरा गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक नहीं है मेरी, तो आप लोग अगर बैंक है सेंट्रल बैंक या फिर कैनरा बैंक तो आप लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैनरा बैंक यहाँ पे आ जाएगी, तो आपकी जो भी कैनरा बैंक होती है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन वो आ जाता है आधार कार्ड से, ठीक है। तो आप लोग आधार कार्ड को चूज़ करके देख लेना, उनका आधार कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपकी प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। गाइस बस गाइस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।